हेलो फ्रेंड्स, निशी जॉब मीटिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, फिर से एक कार्डिगन का पैटर्न लेकर के आई हूँ। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें जो है वो 16 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और दो फंदे हमें साइड के लिए, एजेज के लिए चाहिए हमें। तो ये जो है 16 के मल्टीपल में फंदे चलेंगे और ये पैटर्न जो है 8 सिलाइयों में बन करके कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, बिना देरी किए हम इस पैटर्न को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने 18 फंदे ले रखे हैं और जो है रो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला फंदा हम इस प्रकार से उतार लेंगे और एक फंदे हम इस प्रकार से उल्टे बुनेंगे। उसके बाद हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे और तीन फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक, दो और ये तीन। तीन फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, तीन फंदे सीधे बनाने के बाद फिर हम दो फंदे इस प्रकार से, दो फंदों का एक फंदा हम इस प्रकार से करेंगे। ये हमने दो फंदों का एक फंदा कर लिया है। फिर हम एक फंदे सीधे और इस प्रकार से बनाएंगे। फिर हम उनको आगे लाएंगे, एक बार हम उनको इस प्रकार से ट्विस्ट करेंगे और दो फंदे हम इस प्रकार से उल्टे बनाएंगे। दो फंदे हमने उल्टे बनाने के बाद ऊन को हमें आगे ही रखना है और एक फंदे यहाँ पे हम सीधे बुनेंगे। एक फंदे हमने सीधे बुन लिया है। अब इस वाले फंदे को हम इस प्रकार से इसे पलट लेंगे और इन दो फंदों का हम एक फंदा करेंगे। अब हम तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो और ये तीन। तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। उसके बाद फिर से हम उनको आगे लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये हमने दो फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब ये जो हमारा पैटर्न है, ये दो फंदे जो हमने उल्टे बनाए थे शुरू वाला, इसे हम छोड़ करके फिर से यहाँ से जो हमने तीन फंदे सीधे बनाए, फिर हमने दो का एक किया, फिर हमने एक फंदा सीधा बुना, यही पैटर्न हमारी वापस यहाँ से रिपीट होगी। बस ये जो स्टार्टिंग में दो फंदे जो हमने बनाए हैं उल्टी, वो हमारी यहाँ पे बन चुकी है। तो देखिए, रो फर्स्ट हमारा ख़त्म हो गया है। अब रो सेकंड देखिए, तो पहला फंदा हम उतार लेंगे और एक फंदा हम इस प्रकार से सीधा बुनेंगे। फिर हम उनको अपनी ओर लाएंगे और यहाँ पे हम उल्टे फंदे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः। छः फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक और ये दो। दो फंदे हमने सीधे बना लिए हैं, उनको आगे लाएंगे और ये छः फंदे फिर से हम उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः फंदे हमने उल्टे बना लिए हैं। फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे और लास्ट के जो दो फंदे हैं उसे हम सीधे बना लेंगे। रो सेकंड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब रो थर्ड देखिए, रो थर्ड में हमें क्या करना है, पहला फंदा हम इस प्रकार से उतारेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक और ये दो। दो फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। फिर हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे इस प्रकार से, पीछे से, आगे से इस प्रकार से नहीं करना है, ये हम पीछे से इस प्रकार से करेंगे दो फंदों का एक फंदा। फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे। उसके बाद हम उनको अपनी ओर आगे लाएंगे और एक फंदा हम यहाँ पे इस प्रकार से सीधा बनाएंगे। ये हमारी यहाँ पे जाली क्रिएट हो गई, ये वाली जो जाली है वो हमारी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। फिर हम उनको आगे लाएंगे और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे। दो फंदे हमने उल्टे बनाने के बाद उनको पीछे लेकर के जाएंगे और एक फंदा हम इस प्रकार से सीधा बुनेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुन लिया है। फिर हम उनको अपनी ओर लाएंगे और एक फंदे यहाँ पे हम इस प्रकार से सीधा बुनेंगे। फिर हम इस वाले फंदे को हम इस प्रकार से पलट लेंगे और दो फंदे का हम एक फंदा बुनेंगे। ये हमने बना लिया है दो फंदे का एक फंदा। और फिर हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये दो। दो फंदे हमने सीधे बना लिए हैं, उनको अपनी ओर लेके आएंगे और लास्ट के बचे हुए जो दो फंदे हैं उसे हम उल्टा इस प्रकार से बना लेंगे।
फिर से वही पैटर्न हमारी रिपीट होगी, ये दो फंदे छोड़ करके यहाँ से जो पैटर्न है वो हम आगे रिपीट करेंगे। रो थर्ड हमारी कंप्लीट हो गई है, रो फोर्थ उसी प्रकार से बनेगी, जो फंदा हमें उल्टा दिख रहा है उल्टा और जो हमें सीधा दिख रहा है वो हम सीधा फंदा बुनेंगे। देखिए रो फोर्थ हमारी बन करके कंप्लीट हो गई है, अब रो फिफ्थ है, पहला फंदा उतार लेंगे और एक फंदा हम इस प्रकार से उल्टा बुनेंगे, फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे और एक फंदे हम इस प्रकार से सीधा बनाएंगे, फिर हम दो फंदों का एक फंदा करेंगे ये पीछे से हम इस प्रकार से, फिर हम एक फंदा और यहाँ पे सीधा बुनेंगे, फिर हम उनको अपनी ओर लेकर के आएंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक और ये दो, दो फंदे हमने सीधे बना लिए हैं, फिर उनको आगे लाएंगे अपनी ओर और दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, दो फंदे हमने उल्टे बनाने के बाद उनको पीछे लेकर के जाएंगे और दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और ये दो, दो फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, फिर हम उनको आगे लाएंगे और एक फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर हम उनको इस प्रकार से पलट लेंगे और दो फंदों का एक फंदा इस प्रकार से हम कर लेंगे, फिर हम लास्ट का फंदा एक है उसे हम सीधा बुन लेंगे और फिर उनको आगे लग करके और ये फंदे दोनों हम लास्ट वाले उल्टे बना लेंगे। ये हमारी रो फिफ्थ कंप्लीट हो गई है, रो सिक्स्थ भी हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए रो सेवेंथ, पहले फंदा हम उतार लेंगे और एक फंदा हम इस प्रकार से उल्टा बुनेंगे, फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे और फिर हम इन दो फंदों का इस प्रकार से एक फंदा करेंगे और फिर हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे हमने सीधे बना लिए हैं, उनको आगे लेकर के आएंगे, दो फंदे हम इस प्रकार से उल्टे बनाएंगे, फिर उनको पीछे लेकर के जाएंगे, तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे, दो और ये तीन, तीन फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, उनको अपनी ओर लाएंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर इस वाले फंदे को हम इस प्रकार से पलट लेंगे और इन दो फंदों का हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और दो फंदे लास्ट के जो हैं उसे हम उल्टा बना लेंगे। सेवेंथ रो हमारी कंप्लीट हो गई है, आठवीं रो देखिए, आठवीं रो जो हमें फंदा जैसा दिख रहा है उसी प्रकार से हम बुनेंगे, तो पहला फंदा हमने उतार लिया और एक फंदा सीधा बुना, अब छह फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः फंदे हमने उल्टे बनाने के बाद उनको पीछे लेकर के जाएंगे, दो फंदे हम इस प्रकार से सीधे बुनेंगे, फिर हम उनको आगे लेकर के आएंगे और छः फंदे हम उल्टे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः, फिर हम उनको पीछे लेकर के जाएंगे और लास्ट के बचे हुए दो फंदे हैं उसे हम सीधा फंदा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसी प्रकार से जो है पैटर्न चलती जाएगी, ये देखिए हमारी जो है आठ रो में बन करके ये पैटर्न कंप्लीट हो गई है, ये लीफ की तरह पैटर्न बनती हुई हमारी चली जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमारी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।